लावा एक ऐसी चीज है जो किसी को भी जलाकर नष्ट कर सकती है। हमारी धरती के अंदर पिघली हुई चट्टानों के रूप में मैग्मा मौजूद होता है और यही मैग्मा धरती की सतह को तोड़कर जब बाहर आता है तो हम इसे लावा कहते हैं। लावा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में धरती पर बह रहे एक घने और गर्म पदार्थ की तस्वीर आती है जिसके अंदर जाने पर कोई भी चीज पल भर में नष्ट हो जाएगी। ऐसे में अगर हम ये सवाल पूछे कि क्या हो अगर कोई व्यक्ति लावा के अंदर कूद जाए तो, ये सुनकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये लावा इतना खतरनाक क्यों है और अगर कोई इंसान इसके अंदर चला जाए या लावा उसके शरीर के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। और एक और सवाल, ये इतना खतरनाक होने के बावजूद क्या लावा हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आपने टीवी और इंटरनेट पर लावा की कई फोटोज और वीडियोस तो देखे ही होंगे। लावा नारंगी कलर में चमकते हुए दिखाई देता है और ये अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को पल भर में नष्ट कर सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि आखिर ये लावा कितना गर्म होता है। इसका तापमान हमारे आसपास मौजूद सभी चीजों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होता है। अमेरिका के पास हवाई द्वीप में एक एक्टिव ज्वालामुखी स्थित है और इस ज्वालामुखी को किलोया कहा जाता है। इसमें से निकलने वाले लावा का तापमान लगभग 1170 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना ज्यादा तापमान अगर किसी चीज का होता है तो यहाँ पर ये बात तो साफ हो जाती है कि इसमें जाने पर किसी भी चीज का अस्तित्व मिटने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। यही कारण है कि लावा को इतना खतरनाक माना जाता है। अगर आपकी स्किन पर बर्फ के दो टुकड़े गिर जाते हैं तो आपको बहुत ठंडा महसूस होता है और अगर आपकी स्किन पर गर्म चाय गिर जाती है तो आपको थोड़ी सी ही जलन फील होगी। लेकिन जरा सोचिए कि आपके स्किन पर लावा की दो बूंद गिर जाती है तो क्या होगा। लावा जो कि आपकी चाय या फिर उबले हुए पानी से भी कई गुना ज्यादा गर्म होता है, अगर इसके दो बूंद आपकी स्किन पर गिर जाए तो आपकी स्किन पूरी तरह से जल जाएगी और ना सिर्फ आपकी स्किन बल्कि उसके अंदर की हड्डी को भी जला देगी। और ये चाय या उबले हुए पानी के गिरने से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। और इससे भी ज्यादा अगर कोई व्यक्ति लावा के अंदर गिर जाए तो क्या होगा। लावा के अंदर गिरते ही उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, लेकिन ये कोई साधारण मौत नहीं होगी बल्कि एक बहुत ही ज्यादा भयानक और दर्दनाक मौत होगी। लावा के अंदर गिरते ही उसकी स्किन पूरी तरह से जल जाएगी और साथ ही उसके फेफड़ों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा और उसका खून उबलने लगेगा। आप लोगों को तो पता होगा कि इंसान के शरीर के अंदर बड़ी मात्रा में पानी मौजूद होता है, लेकिन लावा में गिरते ही उस व्यक्ति के शरीर का सारा पानी और तरल पदार्थ भाप के रूप में बदल जाएगा। और ऐसा असल में हो भी चुका है साल 2000 में, जब हवाई द्वीप के ज्वालामुखी के पास दो मरे हुए लोगों के बॉडी को देखा गया जिनके स्किन और फेफड़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जलकर नष्ट हो चुका था। तो जरा सोचिए आखिर लावा कितना खतरनाक हो सकता है। अभी तक हमने लावा के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें जान ली है, आइए अब थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि लावा किसी भी चीज को जलाकर नष्ट कर सकता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो लावा हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। हमारी धरती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है कचरा। इंसान का विकास और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से ये कचरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक होता है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आज के समय प्लास्टिक को समुद्र के अंदर फेंका जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, ये सालों तक समुद्र के अंदर पड़ा रहता है जिससे बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है। यही प्लास्टिक की वजह से धरती पर मौजूद जीव जंतुओं को काफी नुकसान होती है। अगर यही प्लास्टिक समुद्र के अंदर हो तो इससे ब्लू व्हेल जैसी कई समुद्री जीवों की मौत भी हो सकती है। समुद्र में सैकड़ों साल पड़े रहने के बावजूद भी ये प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है, लेकिन लावा एक ऐसी चीज है जो इस प्लास्टिक को नष्ट कर सकती है। अगर इस दुनिया के सारे कचरे को एक ज्वालामुखी के अंदर ढकते हुए लावा में फेंक दिया जाए तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसा काम करना इतना आसान नहीं होता है। ये सब प्लास्टिक्स ऐसे ही किसी भी ज्वालामुखी में नहीं डाल सकते, इसके लिए हमें एक ऐसे ज्वालामुखी की जरूरत होगी जिससे कि लावा एकदम से फट कर बाहर ना आ पाए बल्कि बहुत थोड़ा ही लावा निकल सके, और ऐसे ज्वालामुखी को शील्ड वोल्केनो कहा जाता है। अगर हमें ऐसा ज्वालामुखी मिल जाता है तो इसमें इतना सारा प्लास्टिक डालना आसान नहीं है, क्योंकि अगर लावा के अंदर कोई और ठंडा और रिएक्टिव मटेरियल जाता है तो इससे लावा और भी ज्यादा अनस्टेबल होकर दहकने लगता है और उससे बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर हम किसी तरह इसको कंट्रोल कर सके तो हम प्लास्टिक को लावा के अंदर डाल सकते हैं। एक बात तो तय है कि ज्वालामुखी के अंदर पाए जाने वाला लावा भले कितना भी खतरनाक हो
लेकिन ये खतरनाक चीज इंसान के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो आपके मुताबिक क्या ये लावा भविष्य में इंसानों के लिए मददगार साबित होगा या फिर किसी सुपर वोल्केनिक इरप्शन से ये विनाश का दूसरा नाम होगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन